ओके, तो सबसे पहला सवाल रुद्रा की तरफ से निकल कर सामने आया, जिनका ये सवाल है क्या जेका फाटू मिटका टाइटल को विन कर सकते हैं। देखो जेका फाटू भाई मिटका टाइटल तो विन नहीं करने वाले, पर हाँ बहुत ही जल्द टैग टीम टाइटल जरूर से विन करने वाले। देखो बात है कि भाई डब्ल्यू वाले अगले वीक नंबर वन कंटेंडर के लिए मैच रखिए टैग टीम चैंपियंस बेल्ट के लिए। भाई अगला स्मैकडाउन ऑलरेडी टेप्ड हो चुका है, तो भाई यहाँ पर विनर हमारे टामा टोंगा बनने वाला है, जेका फाटू बनने वाला। टोंगा लुआ जो भी है भाई उनको इंजरी हो जाता है, इसलिए भाई वो मैच के अंदर कम्पीट ही नहीं करते। टैग टीम टाइटल तो भाई ब्लड लाइन के पास बहुत जल्द आने वाला, जहां टैग टीम टाइटल होल्ड करेंगे हमारे टामा टोंगा और जेका फाटू दोनों मिलकर। बाकी मिडकार्ड चैंपियंस बेल्ट के बारे में बात करें तो भाई मेरे ख्याल से अभी इन लोग वो चीज फोकस नहीं करने वाले। आप लोग सोलो सिकॉक का एग्जांपल ले लो भाई, सोलो सिकॉक पिछले दो साल से रोमन रेंस के पीछे घूम रहे थे और आज सोलो सिकॉक इतने बड़े रेसलर बन गए कि डायरेक्ट मतलब सबसे टॉप के स्टोरी लाइन में आ चुके हैं। जेका फाटू भाई मेरे ख्याल से ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन के अंदर ही इन्वॉल्व रहने वाले। अभी सबसे पहले रोमन रेंस का फ्यूड होगा सोलो सिकॉक के साथ, उसके बाद रोमन रेंस का फ्यूड होगा रॉक के साथ। अभी भाई फिलहाल इनके फैमिली बिजनेस में बहुत सारे फ्यूड होने वाले, तो सोलो सिकॉक उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले। आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 के लास्ट तक ऐसे कोई टाइटल विन भी कर सकते, नहीं तो भाई ये टैग टीम टाइटल जो विन करेंगे एक से दो हफ्ते के अंदर, इसको भाई एक दो सालों रख सकते हैं। जैसे जे उसो जिमी उसो रेसलिंग हिस्ट्री के सबसे लॉन्गेस्ट चैंपियन बन गए थे, बहुत टाइम तक रखे थे टैग टीम चैंपियंस बेल्ट अपने पास। तो देखो यार एक से दो हफ्ते के अंदर टैग टीम टाइटल विन करने वाले, उसको देखते हैं भाई इनके साथ क्या होता है। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल निकल कर सामने पर्पल की तरफ से, जिनका ये सवाल है हमें रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकॉक का मैच हमें कब देखने को मिलेगा। तो देखो भाई रोमन रेंस वर्सेस रॉक हमें रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें देखने को मिलेगा, ये बात सबको क्लियर हो चुका है। रोमन रेंस वर्सेस रॉक जब रेसलमेनिया 41 के अंदर देखने को मिलेगा, तो उससे पहले डब्ल्यू वाले सोलो सिकॉक रोमन रेंस का फ्यूड करवाने वाले। ऐसे तो हमें सर्वाइवल सीरीज के अंदर हमें वार गेम देखने को मिलेगा भी, इसके अलावा आपको सोलो सिकॉक और रोमन रेंस का आपको सिंगल एक फाइट आपको देखने को मिलेगा। रोमन रेंस भाई किसी भी हाल में इस मैच के अंदर सोलो सिकॉक को हरा देने वाले, उसका रॉक का रिटर्न होने वाला। रिपोर्ट तो ये कहता है कि भाई जैसे समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस वापस आएंगे बैड ब्लड के अंदर सोलो सिकॉक को फेस कर सकते। अगर ये मैच बैड ब्लड के अंदर नहीं होता तो आपको शायद रॉयल रंबल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। एक चीज बहुत क्लियर भाई, रॉक को वापस आने से पहले मतलब रेसलमेनिया 41 से पहले भाई रोमन रेंस और सोलो सिकॉक का मैच होने वाला है। रोमन रेंस इस मैच के अंदर सोलो सिकॉक को बेसिकली हरा देंगे, फिर सोलो सिकॉक अपने ओरिजिनल बाप रॉक को बुलाएंगे और आपको फिर रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच आपको रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इनका स्टोरी बहुत सिंपल है भाई, आपको बहुत ही जल्द इन दोनों रेसलर के बीच में आपको फाइट देखने को मिलने वाला है। रोमन रेंस इस बार भाई जब समर स्लैम के अंदर वापस आएंगे तो मेरे ख्याल से दिसंबर मंथ के अंदर थोड़ा सा रेस्ट लेने वाले, तो भाई रोमन रेंस अभी से लेकर रेसलमेनिया 41 तक बिल्कुल कंटिन्यू होने वाले फिर से पहले की। रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकॉक का मैच भाई आपको बीच में किसी पीपीवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आपको बता दूं रिसेंट है बैड ब्लड हो रहा है, इस बार डब्ल्यू वाले भाई सऊदी के अंदर जा रहे, रॉयल रंबल है, एलिमिनेशन चैंबर है, बहुत सारे पीपीवी होने वाला है, क्राउन ज्वेल भी होने वाला, तो डब्ल्यू वाले भाई कहीं पर भी इस मैच को करवा सकते हैं। इसको नेक्स्ट वाला आकाश की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल अगर ब्रॉक लेसनर अगर वापस आ गया तो कौन से रेसलर के साथ वो फाइट करेगा। तो यार अगर ब्रॉक लेसनर अगर सच में अगर वापस आ जाता तब भाई दो तीन रेसलर के साथ आपको प्रोबेबली उनका रिवलरी आपको देखने को मिल सकता बहुत अच्छा वाला। सबसे पहले रेसलर हमारे ब्रॉन ब्रेकर है भाई, जिनके बारे में काफी सारा रूमर है कि इनका रिवलरी हमें ब्रॉक लेसनर के साथ देखने को मिल सकता है। ब्रॉन ब्रेकर करंट टाइम सबसे स्ट्रांगेस्ट रेसलर है मेन रोस्टर के ऊपर, जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर कभी हुआ करते थे। इसका नेक्स्ट रेसलर भाई हमारे गुंथर है, जिनका रिवलरी का हमेशा से बात चलता है। ऑलरेडी भाई मेरे ख्याल से एक साल या फिर डेढ़ साल पहले से इनका बात चलते आ रहा है कि ब्रॉक लेसनर गुंथर को फेस करने वाले। तो अगर ब्रॉक लेसनर वापस आते तो भाई ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर का मैच आप लोग 100% कंफर्म ही मान लो, ये मैच होने वाला है किसी भी हाल में, आप लोग 100% इस बात को कंफर्म मान सकते हो। और अगर थर्ड में आपको एक और नाम बताओ तो भाई शायद से ब्लडलाइन के साथ ब्रॉक लेसनर का फाइट हो सकता है। देखो काफी टाइम पहले ऐसा रूमर आया था कि पॉल हेमन शायद से ब्रॉक लेसनर को वापस लेकर आ सकते हैं रोमन रेंस के जगह। तो भाई मे बी इट विल बी पॉसिबल कि भाई डब्ल्यू वाले ब्रॉक लेसनर का रिवलरी पूरे ब्लडलाइन के साथ करवाएं। मैं आपको बता दूं भाई ये ब्रॉक लेसनर के लिए कोई भी बड़ा बात नहीं है, ब्रॉक लेसनर पहले भी ब्लडलाइन को कुत्ता ऐसा दौड़ा दौड़ा कर मारे दो साल तक। तो ये सोलो सिकॉक के ढोलो भोलो की टीम के भाई ब्रॉक लेसनर आसानी से मतलब हैंडल कर लेने वाले। ऊपर से भाई ये ब्लडलाइन का स्टोरी लाइन है, तो भाई इसमें ब्रॉक लेसनर को भी काफी मजा आने वाला है। साथ ही साथ भाई सोलो सिकॉक जिनका भरोसे पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी फ्यूचर में टीका हुआ है भाई, उनका बहुत अच्छा पुश हो जाएगा यहां पर। तो सोलो सिकॉक के बिहाफ से भाई मतलब ये काफी बेस्ट रिवलरी होगा। आप लोग रोमन रेंस का एग्जांपल ले लो भाई, रोमन रेंस को अगर किसी रेसलर ने अगर स्टार बनाया तो उसका एक ही नाम है ब्रॉक लेसनर। 2020 से पहले लोग गाली देते थे रोमन रेंस को, रेसलमेनिया का मेन इवेंट ये नहीं देखना चाहते थे, उसके बाद ब्रॉक लेसनर करते थे क्योंकि ब्रॉक लेसनर को पता था रोमन रेंस एक टाइम पर बहुत बड़े स्टार बनेंगे, इसलिए ब्रॉक लेसनर हमेशा फाइट करने के लिए रेडी रहते थे। नहीं तो सोचो अगर ब्रॉक लेसनर को अगर सच में अगर रोमन रेंस से नफरत रहता तो भाई एक मिनट वो मैच वो कैंसिल कर सकते थे। उन्होंने भाई 8 साल तक रोमन रेंस के साथ सबसे बेस्ट रिवलरी उन्होंने डिलीवर किया। तो देखो यार पहले ब्रॉक लेसनर को हम लोग आने देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। वैसे देन इसका नेक्स्ट सवाल विशाल की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या हमें रोमन रेंस का टाइटल रन हमें एक बार और देखने को मिल सकता है। तो यार अभी आपको रोमन रेंस का भाई टाइटल रन अभी 2 से 3 बार आपको देखने को ऐसे ही ऐसे मिलने वाला है। मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंस एक बार कोडी रोड्स को हराएंगे, एक बार कोडी रोड्स फिर से रोमन रेंस को हराने वाले। साथ ही साथ भाई सोलो सिकॉक भी एक ऐसे रेसलर है जो कि भाई रोमन रेंस को टाइटल के लिए लास्ट में हराने वाले। तो बेसिकली भाई रोमन रेंस का भी टाइटल रन आपको देखने को मिलेगा 2 से 3 अभी देखने को मिलेगा। रोमन रेंस सिंपल चैंपियन बनेंगे, उसके बाद कुछ ही दिन बाद मतलब हार जाएंगे अपने टाइटल। ऐसा नहीं होने वाला कि रोमन रेंस का हमें 400 दिन का हमें फिर से हमें टाइटल रेन देखने को मिले या फिर 1200 दिन। बेसिकली रोमन रेंस का अगला जो टाइटल रेन होने वाला है न्यू रेसलर को पुश करने के लिए होने वाला है। वैसे देन इसको नेक्स्ट वाला अली की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल हमें सेथ
रॉलिंस वर्सेस गुंथर का मैच हमें कब देखने को मिलेगा? बेसिकली भाई सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर का मैच आपको अभी देखने को नहीं मिलने वाला। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको रसलमेनिया 41 के अंदर आपको सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर का मैच आपको देखने को मिलेगा। पार्टिकुलरली इसी मैच के बारे में करंट टाइम बातचीत चल रहा है। अगर ये फेटल फोर वे मैच नहीं होता तो आपको सेथ रॉलिंस और गुंथर का आपको सिंगल मैच भी देखने को मिल सकता है रसलमेनिया 41 के अंदर। हाँ भाई फिलहाल भाई अभी रसलमेनिया 41 होने में भी बहुत लंबा टाइम बचा, उसके अंदर आपको बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे ड्रू मैकइंटायर भाई एज ए बेबी फेस बन जाएंगे रसलमेनिया 41 से पहले, सेथ रॉलिंस भाई वापस से शायद से एज ए हील बन जाने वाले रसलमेनिया 41 से पहले जैसा मुझे लगता है। तो अभी बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलने वाला। फिलहाल भाई अभी गुंथर और सेथ रॉलिंस का भी फिलहाल हमें फेस ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। रसलमेनिया 41 के राउंड आपको देखने को मिल सकता है ऐसा रूमर आ रहा है, मैं आपको दिखाया। अभी काफी लंबा टाइम बचा हुआ है तो भाई जब आएगा तब हम लोग डिस्कशन करेंगे। वैसे देन इसको नेक्स्ट भाई बहुत सारे सवाल अंकल हॉडी के बारे में मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है, तो मैं सबका आपको जवाब देता हूं। सबसे पहले इनका ये सवाल है कि क्या हमें अंकल हॉडी का मैच हमें समर स्लैम के अंदर देखने को मिलेगा? तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। समर स्लैम के लिए भाई ऑलरेडी 7 मैचेस ऑफिशियल हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई, अब और मैच नहीं ऐड करने वाले। अंकल हॉडी का मैच आपको बैड ब्लड के अंदर आपको सहसे चैट केवल के साथ देखने को मिल सकता है। और बेसिकली भाई अभी इनका फैमिली का क्या रोल होने वाला भाई इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट निकल कर सामने नहीं आया। कुछ रिपोर्ट का ये कहना कि व्हाइट सिक्स जो फैमिली है उसके अंदर ही हमें विद्रोह देखने को मिलेगा, जैसे ब्लड लाइन के अंदर हमें सिविल वॉर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इनके टीम के लोग ही इनके ऊपर अटैक कर देंगे, अंकल हॉडी के ऊपर अटैक कर देंगे, उसके बाद इन्हीं का हमें मैच देखने को मिलेगा। तो देखो यार डब्ल्यू वाले भाई करेंट में इनका स्टोरी लाइन भाई कुछ ज्यादा ही स्लो मतलब चला रहे हैं। ऐसा उन्होंने सिमिलर ब्रे वाइट के साथ भी कहा था, उसके बाद ब्रे वाइट का डेथ भी मतलब हो गया था। तो मुझे कुछ नहीं बोलना भाई, मतलब आप लोगों का उतना टेंशन भाई मिल भी नहीं रहा जितना पहले मिलता था। अगर आपको याद होगा तो जब ब्रे वाइट आए थे तो मैं हर वीडियो के अंदर मैं ब्रे वाइट के बारे में उस टाइम पर बात किया करता था। अब मैं अंकल हॉडी के बारे में भाई किसी वीडियो के अंदर मैं बात भी नहीं करता, क्योंकि भाई मुझे पता है डब्ल्यू वाले इनके साथ मतलब धीरे धीरे सारा चीज कर रही है। तो मेरे ख्याल से भाई आपको बस इंतजार करना चाहिए, फिलहाल भाई समर स्लैम के अंदर इनका कोई भी फाइट नहीं होने वाला। देन इसको नेक्स्ट वाल एट द रेट यूजर के तरफ से निकलकर सामने है, जिनका ये सवाल है ब्रॉक लेसनर या फिर गोल्डबर्ग कौन से रेसलर अपने प्राइम में सबसे बेटर थे? तो यार ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग भाई दो मतलब बिल्कुल डिफरेंट इंसान थे भाई। गोल्डबर्ग सिंपल एक रेसलर, गोल्डबर्ग के अंदर पावर बहुत ज्यादा था, पर भाई गोल्डबर्ग का रेसलिंग मतलब उतना बेटर नहीं पर था। भाई अगर हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें तो भाई ये रेसलिंग मतलब वर्ल्ड के भाई किंग थे। ब्रॉक लेसनर एक डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर थे, एक एमएमए वाला रियल वाला फाइटर थे, इसके अलावा जापान के अंदर रेसलिंग किया था, पूरे वर्ल्ड के अंदर रेसलिंग किया। ब्रॉक लेसनर अगर आपको नहीं पता तो भाई यूएफसी प्रोफेशनल ही ट्रेनर भी रह चुके हैं। तो ब्रॉक लेसनर एक एथलीट थे भाई, सबसे कमाल का एथलीट, इनसे ज्यादा नॉलेजेबल एथलीट कोई है ही नहीं आज तक आया ही नहीं। और गोल्डबर्ग के अंदर भाई बहुत ज्यादा पावर था, पर भाई गोल्डबर्ग के अंदर वो स्किल था ही नहीं, गोल्डबर्ग के अंदर बहुत अच्छा स्किल था ही नहीं। ब्रॉक लेसनर को भाई किसी भी रेसलर से आप लोग कभी भी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। देखो आज तक कभी भी आप लोग नहीं सुने होंगे कि मतलब कोई रेसलर इंटरव्यू के अंदर गोल्डबर्ग का तारीफ करे, पर आप लोग रोमन रेंस का इंटरव्यू देख लो, स्टोन कोल्ड का इंटरव्यू देख लो, अंडरटेकर का इंटरव्यू देख लो, जॉन सीना का इंटरव्यू देख लो, सारे लोग के इंटरव्यू में जैसे ब्रॉक लेसनर का नाम इंटरव्यू लेता है भाई मतलब सबका चेहरा उड़ जाता है। ये चीज आप लोग यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। तो भाई मेरे ख्याल से आप लोग गोल्डबर्ग का कंपैरिजन कभी भी ब्रॉक लेसनर जैसे रेसलर के साथ आप कर ही नहीं सकते। वैसे देन इसको नेक्स्ट वाला महादेवारे की तरफ से निकल कर सामने है, जिनका ये सवाल है क्या कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा के मैच के लास्ट में हमें रोमन रेंस और पॉल हेवन देखने को मिल सकता है? देखो मैं आपको बहुत सिंपल समझाता हूँ, कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोवा जो मैच हो रहा है इस मैच के अंदर भाई कोई भी लिटरली दम नहीं, ये मैच भाई लिटरली स्मैकडाउन लेवल का एक मैच है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद भी डब्ल्यू वाले अगर इसे अगर समर स्लैम जैसे पीपीवी के अंदर करवा रही है और वहाँ का मेन इवेंट करवा रहे मतलब इस मैच के अंदर कुछ ना कुछ भूचाल आने वाला है। समझ सकते हो भाई ये मैच का स्टैंडर्ड बिल्कुल लो है, सोलो सिकोवा वर्सेस कोडी रोड्स बहुत बड़ा कोई मैच है ही नहीं, बहुत क्लियर है भाई इस मैच के मतलब दम पर डब्ल्यू वाले समर स्लैम नहीं करवाने वाले, मतलब उनको समर स्लैम के अंदर कुछ ऐसा धमाका करना होगा जो धमाका मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा या फिर सबसे बड़ा धमाका। और मेरे ख्याल से भाई करंट टाइम में समर स्लैम के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई धमाका हो सकता तो है रोमन रेंस का रिटर्न हो सकता। तो बेसिकली मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सोलो सिकोवा कोडी रोड्स के मैच की तरफ आप लोग देखो ही मत, मैच का रिजल्ट बहुत क्लियर है, कोडी रोड्स उस मैच के अंदर विन करने वाला है, मैच के बाद क्या होने वाला है ये सारा चीज डिपेंड करता है। मैच के लास्ट में या तो आपको रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर रॉक का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा या फिर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। वाले भाई बेसिकली कुछ ना कुछ इतना बवाल करने वाले कि सारे ऑडियंस सेटिस्फाई वहां पर हो जाए भाई पूरी तरीके से। समर स्लैम पीपीवी कोई छोटा मोटा पीपीवी नहीं भाई, वहां पर 55,000 का ऑडियंस आ रही है। डब्ल्यू वाले भाई इस मैच को इसलिए सेटअप किए ताकि मतलब कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इस मैच के अंदर दे सके। मैं जो कहने का कोशिश कर रहा हूँ मेरे ख्याल से आप लोग सारे लोग मतलब समझ गए। बेसिकली इस मैच के अंदर भाई कोई भी दम नहीं भाई, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ इस मैच का एंडिंग हमें क्या देखने को मिलेगा। सोलो सिकोवा कोडी रोड्स का जैसे मैच स्टार्ट होने वाला नॉर्मल सा मैच 10 से 15 मिनट पूरा चलने वाला, मैच के लास्ट आते आते जैसे लगेगा भाई इस मैच के अंदर सोलो सिकोवा हारने वाले आकर ब्लडलाइन अटैक कर देने वाला, ब्लडलाइन पूरी तरीके से अटैक करेगा। कोडी रोड्स भाई चार्जर लोग को संभाल नहीं सकते किसी भी हाल में, ब्लडलाइन अपना डोमिनेंस दिखा रहा होगा, ब्लडलाइन जीतने वाला होगा मैच को, तभी भाई कोई बड़ा रेसलर का आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। रोमन रेंज रहे हो रॉक रहे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद रोमन रेंज ही मेरे ख्याल से रहने वाले हैं। जैसे रोमन रेंज आएंगे सारे रेसलर को मारना शुरू कर देंगे जिसका फायदा कोडी रोड्स उठा लेंगे, और कोडी रोड्स सोलो सिकोवा को हराकर भाई किसी तरीके से इस मैच के अंदर विन करके चले जाएंगे। हम लोग कोडी रोड्स का बात करें तो भाई कोडी रोड्स भले एक भोंदू रेसलर है पर भाई कोडी रोड्स किसी भी हाल में इस मैच के अंदर हार नहीं सकते। ओनली वन ऑप्शन है भाई इस मैच के अंदर कोई रेसलर का इंटरफेरेंस होगा तभी भाई ये मैच कंप्लीट होने वाला, बस आप लोग इंतजार करो भाई, मैं बस यही
यही बोल रहा हूँ, बस एंडिंग इसी तरीके से पूरा होने वाला है। आज का वीडियो भाई हम लोग इतना ही रखते हैं भाई, वीडियो पसंद आया तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। जिन लोगों को मेरे से बात करना है शाम को ऊपर आ सकते हैं।